नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, अगर आप एक वोट दाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अगर आप वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो सर्टिफिकेट है, देश का हर नागरिक अपना बना सकता है। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका ये सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ इस सर्टिफिकेट के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है ECI स्वीप। तो आप जैसे ही ये सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, जिसके अंदर आपको स्वीप का जो ऑप्शन है उसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद में इसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसको आपको यहाँ पर केयरफुली रीड आउट कर लेना है। जैसे ही सारी डिटेल आप यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आता है लिंक टू स्वीप पोर्टल। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नेक्स्ट इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटर प्लेस का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो डिटेल है आपको यहाँ पे रीड करने को मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे इसको भी केयरफुली रीड कर लेना है। रीड करने बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एक्सेप्ट का। जैसे ही आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट के बटन को क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज है वो ओपन होने वाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है, मिस्टर है, मिसेज है या फिर श्रीमती है, जो भी आप है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने बाद में आपको नीचे आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने वोटर प्लेज एक आ जाती है, जिसको आप हिंदी या इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। सिंपली आपको इसी शपथ पत्र को आपको यहाँ पर रीड करना है। ये जो मतदाता शपथ पत्र आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसको आपको यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक आपको यहाँ पर इसको पढ़ना रहेगा, रीड करना रहेगा। जो जो बातें इसके अंदर बताई गई है, इनको आपको अमल में लाना रहेगा। जैसे जैसे इसको आप यहाँ पर कम्प्लीटली रीड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके अंदर स्क्रॉल डाउन होते जाना है। उसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर मैंने प्रतिज्ञा ले ली के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जमा करें या फिर सबमिट का, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाता है, जिसके ऊपर नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के यहाँ पर हस्ताक्षर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में इसके ऊपर आपका नाम देखने को मिल जाता है। नीचे प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सर्टिफिकेट को फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। इस तरह से आप आसानी से घर बैठे ही आपका जो वोटर सर्टिफिकेट है इसको बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वोटर सर्टिफिकेट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के वीडियो के जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।